Hello and welcome to the class 11th online economics classes. And in this video, we will discuss the topic 2.4 industry and trade from chapter number 2 Indian economy 1952 1990 from class 11th economics NCRT book. Okay, let's see 2.4 industry and trade. इकोनोमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनोमिस्ट ने ये पता किया कि जो गरीब राष्ट्र हैं देश हैं वो सिर्फ तभी तरक्की कर सकते हैं अगर उनके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इट प्रोमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी कि जो इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जो ज़्यादा स्टेबल है जो एग्रीकल्चर हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री एक ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है यानि स्टेबल एम्प्लॉमेंट प्रोवाइड करती है और जो मोड इंडस्ट्रीज़ है वो क्या कर रही है मॉडर्नाइजेशन को और जो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी है उसको प्रमोट करती है एंड इट इज फॉर दिस रिजन दैट द फाइव ईयर प्लान्स प्लेस्ड आ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो यही वजह है कि जो फाइव ईयर प्लांट हैं उन्होंने ज़्यादातर जो एम्फेसाइज किया वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को किया यू माइट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी नैरो हमने इससे पहले चैप्टर में इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है चैप्टर नंबर वन कि वहाँ पे देखा था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही नैरो थी इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था तो इंडिया को सिर्फ एक क्या माना जाता था उस टाइम पे कि वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया गया उसे और जो प्रोसेस फूड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ले आती थी उसी को यूटिलाइज करते थे बस देन लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट यानी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जो जूट इंडस्ट्री थी उन्हीं के ऊपर था दे वर टू वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म्स वन इन जमशेदपुर एंड द अदर इन कोलकाता बट ऑब्वियसली वी नीडिड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द इकोनॉमी वाज टू ग्रो तो ज़्यादातर जो ये कन्फाइंड कहाँ था सिर्फ जूट और कॉटन टेक्सटाइल तक और दो वेल मैनेज्ड आयरन और स्टील फर्म्स थी उस समय पे एक जमशेदपुर में थी जो टाटा थी और एक कोलकाता में लेकिन इन दोनों को क्या था कि एक्सपेंड होने के लिए इंडस्ट्रियल एक बेस चाहिए था विद वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री द इकोनॉमी वॉज टू ग्रो तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमें क्या करनी थी बेस बनाना था ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके इकोनॉमी ग्रो कर सके उस इंडस्ट्री के भरोसे देन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वॉज What should be the role of government and the private sector in industrial development? तो सबसे पहला सवाल यही था पॉलिसी मेकर के सामने की जो गवर्नमेंट का रोल और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल क्या होगा इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट में यानी जो इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट में At the time of independence, Indian industrialists इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट the कैपिटल टू अंडरटेक और जब इंडिपेंडेंस थी तो इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स जो इंडस्ट्रियल वेंचर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसकी जरूरत थी उस समय पे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए नोर वाज द मार्केट बिग इनफ टू तो एनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू तो अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट इवन, इवन इफ दे हैव द कैपिटल टू तो डू सो और क्योंकि मार्केट अवेलेबल नहीं थी उस समय पे अगर किसी के पास पैसा भी था तो उस समय पे भी क्या था कि जो ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स थे उन्हें अप्लाई नहीं किया गया यानी उन्हें एस्टैब्लिश नहीं किया गया क्योंकि मार्केट नहीं है तो पैसा होने के बाद भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाई सो इट इज प्रिंसिपली फॉर दीज रीजन दैट अस्ट वाइल गवर्नमेंट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ये प्रिंसिपली यही रीजन थे कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करना था ठीक है पूरी तरह से कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर सके इन एडिशन द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स लेट टू दॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग

So this means that the गवर्नमेंट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर these इंडस्ट्रीज that वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का क्या था पूरा कंप्लीट कंट्रोल था इंडस्ट्रीज पे जो उस समय पे इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री और जो पॉलिसीज थी प्राइवेट सेक्टर की वो क्या होनी थी कॉम्प्लीमेंट्री होनी थी टू दो ऑफ द पब्लिक सेक्टर ठीक है यानी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की हमारी पॉलिसीज थी वो कॉम्प्लीमेंट्री होती पब्लिक सेक्टर की विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे और जिसमें पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है वे को लीड कर रहा है तो सोशलिस्ट जो एस्पेक्ट लेके आए इकोनॉमी का वो इसके अंदर लेके आए थे देन कम्स द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन 1956 फिफ्टी 1956 तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना एक 1956 में उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 वाज अडॉप्टेड कि इसके अकॉर्डेंस में कि जो गोल था स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी अब स्टेट कौन कंट्रोल कर रहा था इकोनॉमी के हाइट्स को स्टेट तो उसका इसी का बेस बना के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को एडोप्ट किया गया दिस रिजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस ऑफ ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो रिजोल्यूशन था इसका वो जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसका रिजोल्यूशन यही था ठीक okay. है और जो प्लान था वो क्या कर रहा था बेस बना रहा था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का यानी जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ज्यादातर चीजों के ऊपर सो दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इंटू थ्री कैटेगरीज इस रेजोल्यूशन ने जो इंडस्ट्रीज है उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन बाई द गवर्नमेंट तो पहली कैटेगरी कौन सी थी वो वाली जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर रखी थी ऑन कर रखी थी यानी गवर्नमेंट का अधिकार था उसके ऊपर द सेकेंड द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स यानी सेकेंड कैटेगरी कौन सी थी कि जो इंडस्ट्री थी उसमें प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट कर सकता अपने एफर्ट पब्लिक सेक्टर के अंदर लेकिन जो रोल होगा उसकी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी नई यूनिट शुरू करने की वो गवर्नमेंट की होती है एंड थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री और कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच व टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर तो इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें उन सारी इंडस्ट्रीज को डाला गया जो प्राइवेट सेक्टर में आनी थी यानी तीन तरीके से डिवाइड होती है इसमें एक पूरी गवर्नमेंट ऑन कर रखी है एक में गवर्नमेंट की संस्थाओं में प्राइवेट कंपनी का रोल आ रहा है इसके अंदर और लास्ट क्या थी टोटली प्राइवेट है सो ऑल्दो देयर देर अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर द सेक्टर वॉज कैप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसिस यानी भले ही एक जो कैटेगरी थी इंडस्ट्री की उसे किसके लिए छोड़ दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए लेकिन फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर था उसका जो कंट्रोल था वो स्टेट के अंदर था उसे स्टेट से क्या लेना पड़ता था लाइसेंस लेने पड़ते थे अगर कोई भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है या चलाना है प्राइवेट के अंदर

और ये पॉलिसी यूज की गई किसको प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री को बैकवर्ड रीजन में जो पिछड़े इलाके थे उनमें इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी को यूज किया गया इट वॉज ईजियर टू ऑप्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया क्योंकि अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है हमारा तो उसमें जो लाइसेंस लेना आसान हो जाता था इन एडिशन सच यूनिट्स were गिवन सर्टेन concessions सच एस टैक्स benefits एंड इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टेरिफ यानी अब उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया उन इंडस्ट्रीज को कि तो इकोनॉमिकली एक तो बैकवर्ड एरिया में आप एस्टेब्लिश करेंगे तो कुछ कंसेशन दिया गया उन्हें टैक्स में और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसे भी कम दामों पर उपलब्ध कराया गया द पर्पज ऑफ द पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी यानी जो पर्पस था पॉलिसी का वो क्या था प्रमोट करना था रीजनल रीजनल इक्वेलिटी को यानी जो उस एरिए की इक्वेलिटी थी उसको प्रमोट करने का काम था इवन एन इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑपटेन अ लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट और फॉर डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन यहाँ तक कि जो पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है यानी स्थापित हो चुके इंडस्ट्रीज हैं, अगर उसे अपना विस्तार करना है यानी एक्सपेंड करना है आउटपुट बढ़ाना है या अपने जो प्रोडक्शन है उसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं वहां पे तो उसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ता था दिस वॉज मेंट टू एंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस वॉज नॉट मोर देन वाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड तो इसका मतलब ये था इस बात को इन्श्योर करना था कि जो क्वांटिटी बन रही थी गुड्स की वो इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि जितनी इकोनॉमी को चाहिए यानी ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो सो लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड ए लार्जर क्वान्टिटी ऑफ गुड्स तो जो लाइसेंस था एक्सपेंड प्रोडक्शन प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का वो गवर्नमेंट तभी देगी अगर वो कन्विंस हो जाती है कि इकोनॉमी को लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए होते हैं नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी ऑल्सो कोल्ड द कर्व कमेटी नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट तो नाइनटीन नाइनटी फिफ्ट फाइव में जो विलेज थे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनी जिसे कर्व कमेटी भी बोला जाता था तो उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नोट की कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट वो किसके लिए क्या प्रमोट करेगा रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जरूरी है ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसे हम डिफाइन करते हैं उसका रेफरेंस ले लेते हैं कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो रहा है ठीक है एक यूनिट या एसेट के लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है स्मॉल स्केल के ऊपर होता है सो दिस लिमिट हैज अ पीरियड ऑफ टाइम और ये लिमिट चेंज हो गई समय के साथ इन 1950 फिफ्टी अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज वन विच इन्वेस्टेड नाइनटीन फिफ्टी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो यूनिट बनी विच वॉज विच इन्वेस्टेड ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज फाइव लाख एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज रुपीज वन करोड़ कि पहले ये तय किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी कि जहाँ पे पांच लाख रुपए यूज कर लिए जाते थे पांच लाख रुपए एसेट यूज किया गया कैपिटल तो वो क्या करता है स्मॉल स्केल लेकिन अब एक करोड़ रुपए मिनिमम माना गया है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिडर की जाती है एंड It is believed that small scale industries are more labor intensive. That is, they use more labor than the large scale industries and therefore generate more employment. तो ये माना जाता है कि जो small scale industries हैं वो labour intensive होती है, यानी पूरी तरीके से जो labour होता है, मजदूर होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। कि जितना ज्यादा छोटी इंडस्ट्री है उसके पास इक्विपमेंट या एसेट इतने नहीं है कि बड़ी मशीनरी खरीद सके अगर मशीनरी नहीं है तो बहुत ज्यादा लोगों को उससे रोजगार मिल जाता है सो बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स इट इज ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स दैम टू बी सील फ्रॉम द लार्ज फर्म्स तो इसका मतलब लेकिन वो जो बड़ी इंडस्ट्री थी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी और ये ऑब्वियस था कि जो डेवलपमेंट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो क्या होना चाहिए रिक्वायर्ड टू बी शील्डेड फ्रॉम द लार्ज फिल्म होना चाहिए कि वो लार्ज फिल्म का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े सो फॉर दिस परपज फॉर दिस परपज द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द क्राइटीरिया ऑफ रिजर्वेशन बींग्स द एबिलिटी ऑफ दिस यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स और जो पर्पज़ था इसी पर्पज के लिए जो प्रोडक्शन था नंबर ऑफ प्रोडक्ट का वो रिजर्व किया गया किसके लिए फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कि उसे इतने समय में इतना प्रोडक्ट बनाना है बस जो क्राइटीरिया था रिजर्वेशन का वो एबिलिटी थी इन यूनिट्स की मैन्युफैक्चर करने की गुड्स को सामान बनाने की जो एबिलिटी थी वो थी सो दे वार ऑल्सो गिवन कन्सैशंस सच एज़ लोअर एक्साइज यानी वो क्या दिए गए कुछ और कन्सेसन भी दिए गए जैसे लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट और बैंक लोन दिए गए लो इंटरेस्ट रेट पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया जा सके तो नाइनटीन फिफ्टी से नाइनटीन नाइन्टी में गवर्नमेंट ने मिल के बहुत इंपॉटेंट रोल प्ले किया है ताकि इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो हो सके